बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डिफेंस टेलर। वीवर्स, उम्मीद है कि आपको खैरियत होंगे। तो वीवर्स, पहले मैंने जो आपको जिप लगाने का तरीका बताया था, सलवार में जो जिप लगती है वो तरीका बताया था, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा आपको, जब थैली लगाते हैं हम अलग, तो वो तरीका बताऊँगा मैं आपको, तो वो कैसे लगानी है। वीवर्स, पहले जो मैंने आपको तरीका सिखाया सलवार की जो पाकड़ लगाने का, वो था फिक्स। तो फ्रेंड, ये मैंने एक कपड़ा काट लिया था पाकड़ का, ठीक है। ये जो पाकड़ का पीस जो है, तो ये तकरीबन हमारा 15-15 इंच होना चाहिए, ठीक है। इसकी हमने पाकड़ लगानी है थैली वाली। पहले हमने लगाई थी फिक्स बांध लगाई थी, लेकिन अब थैली वाली पाकड़ लगानी है। उसके लिए हमने ये निशान लगा लिया, तकरीबन 1.25 इंच में निशान लग गया। ये देखें, ये निशान क्रीज बना ली है, ठीक है ना। ये आपने राइट साइड पे लगानी है, ये इस जो चिड़ी से जिसमें नाला डालते हैं उससे, उसके आपने ये राइट साइड पे ये निशान लगाना है। निशान के ऊपर जो है हमने ये जेब लगानी है, ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि इनकी वीडियो जो है वायरल हो सके। फ्रेंड, ये देखें, ये हमने जो है ना, इसका जो निशान हमने 5.5 इंच के मुताबिक लगा लेना है। ये देखें, ये इधर से भी छोड़ देना और दूसरी साइड से भी छोड़ देना, 5.5 इंच के मुताबिक ये निशान लगा देना है। ये दोनों साइडों से हमने छोड़ देना, ये ठीक है ना। और जो चिड़ी है, और ये जो इसके साथ तकरीबन चिड़ी से हट के हमने लगानी है, इसके बराबर नहीं लगानी, चिड़ी से हट के तकरीबन हमने ये 3 इंच के मुताबिक हमने ऐसे निशान लगा लेना, ताकि इसके मुताबिक जो है हमारी ये पाकट लग सके, ठीक है। तो अब सिलाई भी चलते हैं, तो सिलाई के साथ मैं आपको जोड़ने का तरीका सिखाता हूँ। फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने क्रीज पहले बनाई हुई है, ठीक है ना, और इसकी भी बनाई हुई है, ठीक है ना। ये क्रीज के ऊपर हमने ये क्रीज रख लेनी इस तरीके से। ये जो निशान मैंने लगाया ना, ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके से रख लेना इसके ऊपर। फिर हमने इस निशान के मुताबिक सिलाई शुरू करनी है। फ्रेंड, ये देखें, ये इसके ऊपर बराबर में ये क्रीज आएगी, ये देखें इसके ऊपर, ठीक है। और नीचे और ऊपर वाला कपड़ा बराबर है ना, खींचना नहीं है ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को, बराबर रख के आराम से सिलाई लगाते जाएं, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने पैर की सिलाई लगानी है, दोबारा वापस घुमा देना ताकि पक्का हो जाए। फ्रेंड, ये देखें, ये बिल्कुल बराबर सिलाई लग गई है। तो हमने जो ये सिलाई लगाई है ना, इसके सेंटर में से हमने कटिंग कर लेना, ये सेंटर से, सिलाई के सेंटर से हमने इस तरीके से बराबर पकड़ के, ताकि सिलाई भी ना कटिंग हो जाए, इस तरह बराबर पकड़ के इस तरीके से पहले टुका लगाना। टुका लगाने के बाद इसको बराबर काट देना है, नीचे से कपड़ा भी देखते रहना ताकि नीचे से कपड़ा कट ना जाए। और ये नोके बना लेनी है, काट लगा लेना इस तरीके से। अब इसको अंदर की तरफ कर देना इस तरीके से, ये तो फ्रेंड, ये देखें, ये इस तरीके से हमने अंदर की तरफ कपड़ा कर लिया। तो अब ये हमारे पास जिप है, ठीक है ना, जिप। ये इसका खास ख्याल करना है, ये या तो निकाल देना है या इसको अंदर की तरफ ज़्यादा दे देना है, ठीक है ना। और जिप हमने पूरी कर लेनी इसके मुताबिक, ठीक है। जिप सेंटर में रखें, इस तरीके से सिलाई शुरू करनी है। पक्का लाजमी कर लेना इसके ऊपर, ताकि खुले ना।
अगर आपसे इस तरीके से कपड़ा नहीं बैठता तो आपने इस्त्री का इस्तेमाल लाजमी करना, मैं इस्त्री के बगैर जो है ना ये फ्रेंड्स कपड़े खींचना नहीं है, इसको जिप को भी आपने काबू रखना है। तो ये देखें सलाई, देखें ये मुकम्मल कर ली मैंने सिलाई, ठीक है। अब ये इसकी निचली साइड से आ जाए तो ये देखें, पहले हमने लगाई थी फिक्स ये पाकट जो है इसकी, अब हम लगाएंगे थैली, ये पाकट बनाएंगे, ये थैली बनाएंगे। ये देखें ये पुरानी, देखें ये जिप भी ख़राब ना हो इस तरीके से हमने कपड़ा इसके ऊपर कर लेना है और इसको इस तरीके से पकड़ के इस तरह रखना है, इसको पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद फ्रेंड ये निचला और ऊपर ला कपड़ा बराबर कर लेना, बराबर करने के बाद ये हमने चारों तरफ ऐसे सिलाई घुमा दे ली है। ये देखें ये कपड़ा सेट करके पक्का कर देना, तो बाकी फालतू कपड़ा इस तरह काट देना। तो ये हमारे जो है ना पाकट तैयार हो गई है। तो फ्रेंड ये देखें ये पाकट लगा दी है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।